हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंबिका। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे पांच बड़े लक्षण के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लड़का होने पर अक्सर महिलाओं में दिखाई देता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में इतने सारे बदलाव आ जाता है, इतने सारे सिम्टम आ जाता है जिससे आप घर बैठे ईजिली जेंडर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ऐसे पाँच बड़े सिम्टम, पाँच बड़े लक्षण मैं बताने वाली हूँ। अगर यह आपको अपने प्रेगनेंसी में दिख रहा है तो दोस्तों आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे सिम्टम, हमारे लक्षणों के बारे में। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान वजाइना यानी कि प्राइवेट पार्ट में 8वें 9वें महीने में बहुत ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज जाना। दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा जाना ये एक साइन माना जाता है लड़का होने का, क्योंकि बेबी बॉय जो होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि नाभि के नीचे की ओर ज्यादा उनका मूवमेंट रहता है। बेबी बॉय का जो हलचल मूवमेंट आपको नाभि के नीचे और ज्यादा फील होता है, जिसकी वजह से आपकी वजाइना को यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, यूट्रस को बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको वाइट डिस्चार्ज का दिक्कत देखने को मिलता है। दूसरा जो सिम्टम है दोस्तों, वो है प्रेगनेंसी के दौरान आपका ब्रेस्ट में बदलाव। दोस्तों, अगर ब्रेस्ट आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और बहुत उसमें से मतलब जो मिल्क है वो सिक्रेशन कर रहा है, तो ये दोस्तों साइन माना जाता है लड़का होने का। तीसरा जो सिम्टम है दोस्तों, पैरों में सूजन। चौथा जो सिम्टम है दोस्तों, वो है एसिडिटी बहुत ज़्यादा होना। दोस्तों, ये बहुत बड़ा साइन माना जाता है क्योंकि लगभग सारे महिलाओं को ये दिखाई देता है जब भी वो लड़का कंसीव करते हैं। और पांचवा जो सिम्टम है दोस्तों, वो है मूड में अचानक से बदलाव हो जाना। अचानक से आप चिढ़ जाते हैं, अचानक से आप खुश हो जाते हैं, अचानक से आप दुखी हो जाते हैं। जो ये जो दोस्तों सिम्टम्स है वो लड़का होने का माना जाता है। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलूंगी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक लव यू, बाय।